हेलो फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर की शानदार कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड, जिसके इन्वेस्टर्स परेशान है, शेयर ऊपर जाता है फिर से नीचे आ जाता है। इसने आज का क्लोजिंग दिया 1276 रुपीस का एंड 52 वीक हाई था 1580 रुपीस का। दोस्तों, ये कंपनी तो आप सब जानते ही है कि काफ़ी फंडामेंटली साउंड है, फ्यूचरिस्टिक है, ग्रोथ अच्छा कर रही है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो इसका पी है 115 का, जो कि थोड़ा हाई पी है, बट अभी धीरे धीरे जैसे कंपनी बढ़ेगी तो पी भी कम होते हुए दिखेगा। ईपीएस है 11 का, जो कि ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.35 का, तो डेट काफ़ी कम है, ये पॉजिटिव बात है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 54% प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआई के पास है 7% और डीआईआई के पास है 2%। दोस्तों, इसका ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर जो की बात करेंगे तो 34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2020 सितंबर में। जून 2021 में इसका बढ़कर हो गया 35 करोड़, और सितंबर 2021 में बढ़कर हो गया 44 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दिखाया कंपनी ने, बट शेयर ज़्यादा चल नहीं रहा है। ऊपर जाने की कोशिश की थी, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, पर ब्रेकआउट नहीं दे पाया, नीचे आ गया। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 1200 रुपीज़। मैं आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं इसको वॉच करते रहिए। 1200 के आसपास आएगा तो आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए, वहाँ से फिर से बाउंस बैक दिखा सकता है। और जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं हाई लेवल पर, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1200 तक जाके फिर से हो सकता है बाउंस बैक करे, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। तो जो लोगों ने लॉन्ग टर्म यूज से रखा है तो उसको होल्ड कीजिए, और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप 1250 से थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कर दीजिए। 1200 के आसपास आके फिर से बाउंस बैक दिखा सकता है, और इस बारे में आप खुद स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।